हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है वी वर्सेटाइल। सो आज मैं बात करूंगी इंस्टाग्राम रील बोनस के बारे में। मेरी फाइनली फर्स्ट पेमेंट रिसीव हो गई है तो मैंने सोचा कि आज फाइनली आपके लिए वीडियो बना ही देती हूँ। बहुत क्वेरीज आ रही थी लोगों की कि मुझे पेमेंट कितनी मिली है और इंस्टाग्राम रील बोनस ऑप्शन बड़े बड़े क्रिएटर्स को भी अभी तक नहीं मिला है, तो उनके भी मैसेजेस आए हैं जिनके 40,000 फॉलोवर्स है, कुछ के 1.5 लाख फॉलोवर्स भी है। उन लोगों ने भी मुझे मैसेजेस करे हैं कि यार उनको क्यों नहीं मिला और मुझे क्यों मिल गया, क्योंकि मैं इतनी बड़ी क्रिएटर तो हूँ नहीं, मेरे हार्डली 10,000 फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पे। तो बहुत सारे आज मैं क्वेश्चंस आपके लेने वाली हूँ। वीडियो आप एंड तक देखना, कुछ भी चीज़ें मिस मत करना। अगर थोड़ी भी एक आध भी चीज़ आपसे मिस हो गई ना तो आपको डाउट रहेगा ही, फिर आप मुझे DM करोगे कि यार ये क्यों नहीं बताया, वो क्यों नहीं बताया, बहुत सारी चीज़ें। तो चलो बिना कोई देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीच में स्किप मत करना वीडियो, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो लास्ट तक देखिए आप, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आपको भी जल्दी से रील बोनस ऑप्शन मिल जाए, क्योंकि ये आई थिंक कंपैरेटिवली यूट्यूब से बहुत इजी है इंस्टाग्राम पे कमाई करना मेरे हिसाब से। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रील बोनस ऑप्शन क्या है। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि इंस्टाग्राम से भी हम पैसे कमा सकते हैं। तो रिसेंटली इंस्टाग्राम ने भी टेस्टिंग मोड में चालू करा है रील बोनस ऑप्शन, जिसमें आप अपने इंस्टाग्राम पे रील्स डालते जाएंगे और जितना भी आपका रील्स में व्यू आएंगे तो आपको उस व्यू के पैसे मिलेंगे, ना कि कितने अमाउंट ऑफ आपने रील्स डाला है उसका पैसा नहीं मिलेगा। जितने भी आपके रील में व्यूज आएंगे आपको उसके पैसे मिलने वाले हैं। जैसे ही मैं एलिजिबल हुई थी इंस्टाग्राम रील बोनस ऑप्शन के लिए तो मुझे इस तरह का एक मेल आया था। मैं साइड में लगाते भी जाती हूँ पॉपअप स्क्रीन, तो आप देख सकते हो मुझे इस तरह का एक मेल आया था इंस्टाग्राम की तरफ से, और उसमें उन्होंने लिखा था कि ये बोनस ऑप्शन जो है सिर्फ इन्वाइट बेसिस पे है, मतलब इंस्टाग्राम खुद सिलेक्ट करेगा कि रील बोनस ऑप्शन किसे देना है किसे नहीं देना है। उन्होंने मुझे ऑनबोर्डिंग PDF शेयर करा जिसमें काफी डिटेल में समझाया हुआ है कि इंस्टाग्राम रील बोनस ऑप्शन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, आपको पेमेंट आपकी कैसे मिलती है। तो पेमेंट हमें तब मिलती है जब हमारे $100 का क्राइटेरिया पूरा होता है, तब हमें हमारी पेमेंट रिसीव होती है। अब आप $100 डिपेंड करता है आपकी रील कैसे चल रही है। अगर आपने $100 एक महीने में कंप्लीट कर ली तो आपको पेमेंट एक महीने में मिल जाएगी, दो महीने में कंप्लीट करा तो दो महीने में मिल जाएगी। अगर मैंने फर्स्ट महीने में कमाए हैं $30 और फर्स्ट मंथ में अगर मेरे $100 नहीं हो रहे हैं तो वो पेमेंट जो है सेकेंड मंथ में रोल ऑन होगी, मतलब कि नेक्स्ट मंथ की पेमेंट फिर $1 से चालू होगी, बट ये भी कैलकुलेट होगी जब आपका पूरा $100 कैलकुलेट होगा। तो यस, इस तरह से ये पेमेंट की प्रोसीजर कैलकुलेट होती जाती है जब तक आपका $100 कंप्लीट नहीं होता। बट ऐसा नहीं कि आप उसको 6-8 महीने में कंप्लीट करेंगे तब आपको पेमेंट आएगी, ऐसा नहीं है। आपको 4 महीने के अंदर ये $100 का क्राइटेरिया पूरा करना रहेगा तो आपकी पेमेंट आपको इजीली मिल जाएगी। 19th को मेरा फाइनली मंथ कंप्लीट होता है और उसके बाद दो दिन के अंदर 1st फरवरी को मेरी पेमेंट मुझे रिसीव हो गई थी इंस्टाग्राम की तरफ से, और मुझे लगा था कि काफी टाइम लगता है, बट ऐसा नहीं हुआ। तुरंत मेरे अकाउंट में पेमेंट आ गई थी और मेरे स्टेटमेंट में, बैंक स्टेटमेंट में दिखाने लगा था कि यूएस से मुझे पेमेंट रिसीव हुई है। तो मैं ऐसे 1 by 1 क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ, मेरे मन में जो भी चीजें आते जा रही है मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रही हूँ, जो भी चीजें आपके लिए यूजफुल रहेगी। कुछ ऐसे क्रिएटर्स है जिनके 1,000-1,200 फॉलोवर्स है, वो बोलते हैं कि उनको इंस्टाग्राम बोनस कब आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम ने जो मुझे PDF भेजा है उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन करा है कि आपके 5,000 से ऊपर फॉलोवर्स होना चाहिए, प्लस आपका एक बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। ये चीज बहुत कम लोगों को पता है एंड बहुत कम लोगों ने अपनी वीडियो में डाला है। YouTube में मैंने बहुत सर्च करा इस बारे में तो काफी लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि पहली चीज है कि आपका बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपका नॉर्मल अकाउंट है तो आप उसे शिफ्ट कर सकते हो बिजनेस अकाउंट में, और उसके बाद आप जो भी रील्स अपलोड करोगे तो उसके व्यूज काउंट होंगे आपका पेमेंट के लिए। तो मुझे ये रील बोनस ऑप्शन कब आया था, तो मुझे ये लास्ट ईयर अक्टूबर में आ गया था रील बोनस ऑप्शन। तो मैंने उसमें मुझे बस बोनस ऐसा लिखा दिखता था मेरे इंस्टाग्राम पे कि एक्टिवेट बोनस, मैं सोचती थी नहीं पता क्या बोनस है, ऐसे कुछ स्टार मिलेंगे ये मुझे ऐसा लगता था, इतना कुछ मुझे पता नहीं था कि पैसे मिलने वाले हैं। तो बार बार वो पॉपअप होता था कि एक्टिवेट बोनस, तो मैंने उसको दबा ही दिया कि चलो ठीक है दबा देती हूँ। फिर ऐसे कुछ लोगों ने हमारे ग्रुप में मैसेज करने लगे कि यार इंस्टाग्राम बोनस ऑप्शन आ रहा है, तुम्हें आ गया कि मुझे लगा सभी को आ गया है शायद, बट मुझे बाद में पता चला कि हार्डली कुछ ही लोगों को आया है। सो रील बोनस ऑप्शन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फर्स्ट चीज की आपकी एज 18+ होना चाहिए, सेकंड चीज ये कि आपके अकाउंट में आपने कोई फेक फॉलोअर्स नहीं खरीदे हो, कोई भी फ्रॉडेंट एक्टिविटी आपने नहीं करा हो, ना ही फेक व्यूज लिए हो, मतलब आपका जो भी इंस्टाग्राम अकाउंट है वो इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करता हो सारी चीजों को, तभी आपको इंस्टा बोनस ऑप्शन मिलेगा। थर्ड चीज ये कि आपका बिजनेस क्रिएटर अकाउंट होना चाहिए। नेक्स्ट चीज ये कि आपके 5,000+ फॉलोअर्स होने चाहिए, तो ये इसका
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि बहुत बेसिक सा है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। मुझे बहुत सारे क्रिएटर्स मैसेज करते हैं कि उनके 1 लाख के ऊपर फॉलोवर्स है, 40,000 फॉलोवर्स है, बट उन्हें इंस्टा बोनस ऑप्शन क्यों मिला है और मुझे क्यों मिल गया है, क्योंकि मेरे तो 10,000 फॉलोवर्स है। तो मैं उसके लिए ये बोलना चाहूंगी कि मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्यों मिला है। आई थिंक मैं 2021 से बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गई थी इंस्टा रील्स पोस्ट करने के लिए, और पहले मैं इतना इंस्टाग्राम में एक्टिव नहीं थी 2021 के पहले। जैसे कि आपको पता है मेरा यूट्यूब चैनल है, पहले तो मुझे यूट्यूब के लिए ब्रांड कोलैबोरेशंस आते थे और मैं कुछ कुछ का रील बना के इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर देती थी। 2021 एंडिंग से सेप्टेम्बर या अक्टूबर से मुझे जो भी ब्रांड ने मुझे अप्रोच करा कोलैब के लिए, तो उनकी डिमांड यही होती थी कि मैं उन्हें रील्स इंस्टा रील बना के दूँ या इंस्टा स्टोरी बना के दूँ। और यूट्यूब के लिए कम कोलैबोरेशन आते थे क्योंकि उस टाइम पे रील बिल्कुल नया नया आया था एंड शॉर्ट्स उतना एक्टिव था नहीं, मतलब बिल्कुल आने ही वाला था आई थिंक, या फिर आ गया था बट लोग उतने एक्टिव थे नहीं शॉर्ट्स में, रील्स नया नया आया था। तो सारे ब्रांड्स की यही डिमांड होती थी कि मैं उन्हें रील्स बना के दूँ। तो यस, उस चक्कर में, और मेरे पास ब्रांड डील्स उस टाइम पे बहुत आ रही थी, तो मैं उस चक्कर में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई। मैं बहुत रील्स बनाने लगी, बहुत फ्रीक्वेंटली रील्स बनाने लगी। इनफैक्ट व्यूज आए या नहीं आए, मैं रील्स बनाती थी। मैं कभी नंबर गेम में नहीं पड़ी कि मेरी रील में 1 मिलियन व्यू आना चाहिए या 20,000 आना चाहिए या 30,000 आना चाहिए। अगर मेरी रील में 400-500 भी व्यूज आते थे मैं बना देती थी। तो इंस्टा ने जो मुझे PDF भेजा था उसमें ये लिखा था कि आपका खुद का ओरिजिनल कॉन्टेंट होना चाहिए। जैसे कि मेरा नीच बेसिकली ये है कि मैं लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर हूँ, उसमें सब चीज़ इंक्लूड हो जाती है, फैशन, लाइफस्टाइल, ब्यूटी, फूड, फलाना ढिमका, सारी चीज़ें। तो मेरा जो मन करता है मैं वो अपलोड करती हूँ। मेरी प्रोफाइल आपको स्पेसिफिक फैशन कैटेगरी की नहीं दिखेगी जैसे आजकल बहुत से लोगों की रहती है, और मुझे बहुत पसंद भी आती है कि सिर्फ आपको फैशन वाली चीज़ें मिल जाती है। और मेरी प्रोफाइल में पूरा मिक्सअप है, मेरा जो मन आता है मैं वो डालती हूँ, मैं अपनी मर्जी से चलती हूँ। मुझे मेरे पग के बारे में डालना है गूगल के बारे में, मैं वो डालूंगी। मुझे फूड के बारे में डालना है, मैं इन्फ्लुएंसर्स मीटअप में जाती हूँ तो वहाँ पे मैं फूड का रिव्यू करती हूँ, मैं वो डाल देती हूँ। कैफेज का रिव्यू करना रहता है वो डाल देती हूँ। मुझे कुछ ब्रांड डील्स आती है, मोस्टली ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स कपड़े वपड़े भी आते रहते हैं वो डाल देती हूँ। ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं वो डाल देती हूँ। मैं कहीं घूमने जाती हूँ, ट्रैवलिंग करती हूँ, उसकी रील डाल देती हूँ। मेरा अकाउंट लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, मेरी जो मर्जी मैं वो डाल देती हूँ। तो यप, ये था कि बेसिकली आपका जो भी कंटेंट रहे ना ओरिजिनल रहे, आपका खुद का क्रिएट करा हुआ ओरिजिनल कंटेंट रहे, चाहे आप व्लॉगिंग कर रहे हो, ट्रैवल वीडियोस बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, आपका खुद का ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। और नेक्स्ट इज ये कि अब हम पेमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि मुझे पेमेंट कितने टाइम में रिसीव हुई। तो मुझे अक्टूबर में इंस्टा बोनस ऑप्शन आ गया था एंड अक्टूबर से लेकर नवंबर तक मेरी मैं रील्स ही नहीं बना रही थी उस टाइम पे, तबियत शायद खराब थी, मैं बना नहीं रही थी। एक दो मैंने रील्स डाली तो मैंने फिर बोनस ऑप्शन में जाकर देखा तो मेरी सच में उसमें अर्निंग हो गई थी, मैंने $10-12 कमा लिए थे। दिसंबर में मैंने फिर $30 कमाए, और फिर इसके बाद बता दूं फिर मैंने एक चीज एनालाइज करी कि $30 तक आपकी कमाई बहुत अच्छे से हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई रील पोस्ट करी है उसमें आपके 10,000 व्यूज आ गए तो आपका फटाक से डॉलर कितना हो जाएगा, $12 हो जाएगा। और वही जैसे आपका $30 कंप्लीट हुआ और आपने फिर कोई रील पोस्ट करी और उसमें फिर से 10,000 व्यू आ गए तो इस बार आपका $10 नहीं बढ़ेगा, आपका बढ़ेगा 0.012 या फिर पॉइंट, आपका बढ़ेगा 0.05, इतना कम उसका नंबर हो जाता है। तो $30 के ऊपर मेरा तो बहुत ही मुश्किल से जा रहा है एंड मैंने और भी वीडियोस देखे कि $30 के ऊपर अर्निंग अटक जाती, अटकती नहीं है, रेशियो बहुत कम हो जाता है। एक साल में मुझे 30,000 अप्रॉक्सीमेटली मिलेंगे इंस्टाग्राम से, इट्स नॉट दैट बिग नंबर बट इतनी किसी की अर्निंग भी होती है, रिमेम्बर दैट। तो कुछ नहीं से कुछ भला, इंस्टाग्राम मैंने पेमेंट के लिए चालू नहीं करा था, बस ऐसी पर्सनल अकाउंट था पहले मेरा, फिर वो क्रिएटर अकाउंट हुआ, फिर वो बिजनेस अकाउंट हो गया है। तो क्योंकि पहले ऐसा कुछ होता नहीं था, रील्स थे नहीं, बस पोस्ट डालना रहता था, तो मैं बहुत एक्टिव थी, मेरे को मजा आता था फोटो वोटो खींच के डालने में। तो ऐसे मैंने अपना इंस्टाग्राम चालू करा, बट यस, शिफ्ट मेरा यूट्यूब से इंस्टा पे हुआ बिकॉज ऑफ ब्रांड डील्स। मुझे जो ब्रांड्स आते थे उनकी वजह से मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा कंसिस्टेंट हुई। तो अगर आपको इंस्टा बोनस ऑप्शन चाहिए है तो आपको बहुत कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, रेगुलरली पोस्ट करते जाओ, 5,000 के ऊपर आपके फॉलोवर्स होने चाहिए, कोई फेक फॉलोवर मत खरीदो, फॉलोवर्स मत खरीदो। और नेक्स्ट चीज ये कि कंसिस्टेंट रहो, बहुत सारे हैशटैग्स यूज करो ताकि आप इंस्टा की नजर में आओ। और ये हैशटैग वाला सीन मेरे को ये तो मैंने बनी बनाई बात बोलती, बट ये हैशटैग वाला सिनेरियो मुझे कभी समझ नहीं आया, क्योंकि जब मैं बहुत सारे हैशटैग लगाती हूँ अच्छे अच्छे सिलेक्ट कर करके, मेरी रील में भी आते 800-900 और जब मैं ऐसे ही डाल देती हूँ बिना हैशटैग का कुछ भी तो व्यू आ जाते 15,000, 10,000, 9,000। तो इंस्टा का एल्गोरिथम भाई दिमाग के ऊपर है, नहीं पता कब क्या हो जाए वो। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा पॉज करके वीडियो देख लूँ, क्योंकि
अभी मेरे साथ एक बहुत बुरी चीज़ हुई है। मैं नॉन स्टॉप आई थिंक 40 मिनट से बोल रही थी और मैं मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई एंड मेरा वीडियो स्टॉप हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। अभी मैंने जब जाके देखा कि वीडियो कैसा बना है, देख लेती हूँ, मेमोरी फुल थी, वीडियो रुक गया था, सिर्फ 7 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है, ये मैं फिर से शूट कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग चालू है। मैंने ये भी वीडियोस देखे थे कुछ लोगों के इंस्टाग्राम में कि एक मिनट फिर से दिख रही थी, वीडियो चालू है या नहीं। चालू है यार, मेरे पास मोबाइल अच्छा वाला नहीं है तो बार बार देखना पड़ता है, मेमोरी फुल तो नहीं हुई। और मेरी अर्निंग अप्रॉक्सीमेटली हुई थी $119 की, तो ₹9,700, दैट मीन्स 9,700 समथिंग मैंने मुझे रिसीव हुई है और काफ़ी टाइम बाद रिसीव हुई है क्योंकि मैं बीच में बहुत इनएक्टिव थी, प्लस मेरी रील्स में इतने व्यूज़ भी नहीं आते हैं। मैं इस डाउट में हूँ कि मेरी जो फर्स्ट पेमेंट आई है मुझे कुछ अच्छा सा लेना है, तो मैं क्या लूँ समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो पेमेंट मेरी रखी हुई है इसमें, मैंने उसे विड्रॉ कर लिया है, मुझे अकाउंट में नहीं रखनी। जैसे आई मैंने विड्रॉ कर लिया, मैंने अपने उसे अपने जूप के बैग में रख लिया है। एंड यस, रिसेंटली विमेंस डे गया, विमेंस डे पे मुझे ये बैग मिला है जूप की तरफ से, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी ज़रूरी है। तो ये बैग है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे पास ऑलरेडी एक बैग है, मैं भी आपको दिखा दूंगी, जो मैंने खुद के पैसे से खरीदा था। एंड यस, इस बार जूप वालों ने मुझे स्लिंग बैग भेजा है, तो ये मुझे बैग पर्सनली मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये हैंडमेड है एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें क्या क्या रखा हुआ है, तो इसकी स्पेसिंग आपको दिखा देती हूँ, तो काफ़ी स्पेशियस है जैसे आप देख सकते हो। इधर भी अंदर एक और पॉकेट दिया हुआ है, साइड में भी यहाँ पे एक पॉकेट दिया हुआ है एंड पीछे भी एक पॉकेट दिया हुआ है। एंड बहुत अच्छा इसका मटेरियल है एंड बेल्ट क्वालिटी भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा प्राइसी भी नहीं है। दो और पॉकेट्स दिए हुए हैं, तो इसमें आप अपना मोबाइल, वॉच, एनीथिंग यू वांट आप कैरी कर सकते हो। काफ़ी स्पेशियस है, छोटा सा है बट बहुत स्पेशियस है, ये लिटरली बहुत स्पेशियस है। जूप की वेबसाइट पे सेल चल रही है तो मैं ये बैग परचेस कर सकते हो या फिर जूप का कोई भी बैग परचेस कर सकते हो। नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज चेक कर लो, मैं वहाँ पे कूपन कोड दे दे रही हूँ, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बैग का नाम है टाइडल वेव स्ट्रक्चर्ड शोल्डर बैग और ये वाटर रेजिस्टेंट है, इंडिया में बना हुआ है, प्योरली हैंडीक्राफ्ट है, फैब्रिक बहुत अच्छा है इसका, वीगन लेदर से बना हुआ है, बहुत स्मार्ट लगता है कैरी करने में। सबको अलग अलग स्लैब मिली हुई है, मतलब कि आप इतना अर्न कर सकते हो एक मंथ में, तो मेरी स्लैब है 0 से लेकर $5,000 $5,000 × 82 करो, आपको पता चल जाएगा कि मैं एक महीने में इंस्टाग्राम से कितना कमा सकती हूँ। बट $30 के ऊपर बढ़े तभी तो कमाऊंगी ना, वरना सिर्फ $30 ही एक महीने में कमा पाऊंगी मैं, जो कि मैं अकाउंट से नहीं निकाल पाऊंगी, तब निकाल पाऊंगी जब मेरे $100 कंप्लीट होंगे और मेरे $100 कंप्लीट होते 4 महीने में। आपका मंथ चालू हुआ है 1 जनवरी से 1 फरवरी तक, तो आपकी अर्निंग हुई $30, उसके बाद आपका नया मंथ चालू होगा तो आपकी अर्निंग कहाँ जाएगी, ये अर्निंग आपकी रोल ऑन होगी नेक्स्ट मंथ में। बट जब आपका नेक्स्ट मंथ चालू होगा 1 फरवरी से, तो उसमें आपका अर्निंग $31 से नहीं चालू होगी, आपकी वापस अर्निंग चालू होगी $1 से, ठीक है। तो अब वो $1 से आप जितना कमा सकते हो आप उतना आगे रील व्यू के थ्रू आप कमा सकते हो। तो मुझे ये डाउट था कि 4 महीने ये स्लैब कितनी है, टाइम स्लैब, लाइक ये 6 महीने में कंप्लीट होना चाहिए, 7 महीने में $100 होना चाहिए तो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर सिर्फ 3 महीने में कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि 4 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 महीने में आपको $100 कमाने हैं तो जबकि आपको आपका बोनस की पेमेंट मिलेगी। अदरवाइज आई थिंक आपको जो अगर आपका 5th मंथ स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपका $100 कंप्लीट ही नहीं हो रहा है तो आपकी जो फर्स्ट महीने की जो पेमेंट थी वो लैप्स होती जाएगी। तो आप कोशिश करो कि 4 महीने में आप $100 कर लो, एंड जिनको बोनस ऑप्शन आ गया है एंड ईजिली हो जाएंगे, क्योंकि $30 तो बिल्कुल यूं होते हैं, रील डाले व्यूज आए खटाखट होते हैं, दिक्कत आती है $30 के बाद बढ़ने की, क्योंकि इंस्टा का अलाउ कोई नहीं जान सकता, आप 1000 हैशटैग्स लगा दो व्यूज नहीं आएंगे, और एक दो ही लगाओ बहुत व्यूज आ जाएंगे। जब मैंने रील्स अपलोड करना स्टार्ट करी थी, मेरी जगह कोई और होता तो कब का डीमोटिवेट हो जाता, बट मैं बहुत कंसिस्टेंट रही। मेरे रील्स में ब्रांड कोलैप्स में भी इनफैक्ट मैं रील्स अपलोड करती थी, 800, 900, 1000, 1200 व्यूज आते थे। बट यस, मैं इस चीज़ के लिए फॉर्चुनेट थी, तो भी ब्रांड्स मेरे साथ कोलैब करना चाहते थे, मुझे प्रोडक्ट्स अपने भेजता था, मैंने आज तक शायद ही कोई प्रोडक्ट लेके खुद से रिव्यू करा होगा, सारे मुझे ब्रांड्स की तरफ से ही आए हैं। इनफैक्ट जब मैंने अपनी स्टार्टिंग करी थी तो भी इंस्टाग्राम में कि मुझे ब्रांड्स खुद ही अपने प्रोडक्ट्स भेजते थे, तो
डिमोटिवेट नहीं होती थी, जितना भी व्यूज आ रहा है ठीक है, क्या करना है अभी, अब नंबर गेम पे तो जाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड कुछ लोग मुझे ये भी मैसेजेस करते रहते कि उनको मेरा अकाउंट परचेस करना है, तो सो सॉरी मेरे को मेरा अकाउंट नहीं बेचना है, बहुत मेहनत से मैंने अपना अकाउंट इतना बिल्ड करा है। माई इंस्टाग्राम अकाउंट इज नॉट जस्ट एन अकाउंट, इट्स एन इमोशन। बहुत सारी पर्सनल चीज़ें मैं अपने उसमें अपलोड करती रहती हूँ, मेरी स्टोरीज अगर आप कभी देखोगे सिर्फ वो ब्रांड 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 प्रोडक्ट 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 वो नहीं रहती है, इट्स अबाउट मी माई लाइफ माई जर्नी। आपको मेरा इंस्टाग्राम एक बिल्कुल फुलफिल्ड इंस्टाग्राम अकाउंट लगेगा कि मैं अपनी पर्सनल चीज़ें भी शेयर करती हूँ, मेरे घर के बारे में शेयर करती, मेरा जो मर्जी आया मैं वो शेयर करती हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मैं अपनी गवर्नमेंट लाइफ के बारे में भी शेयर करती रहती हूँ कि मीटिंग्स एंड ऑल जो भी मेरा मन करता रहता है, तो इट्स अबाउट एवरीथिंग फुल खिचड़ी मतलब। ओके अगर मैं सिर्फ फैशन का कंटेंट डालूंगी तो आई नो कि मेरी सिर्फ लड़कियां ही ऑडियंस रहेगी, लड़के नहीं रहेंगे क्योंकि लड़के क्या ही करेंगे लड़कियों का ड्रेसेस देख के। एंड कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स डालूंगी तो ऑब्वियसली सिर्फ वीमेन कैटेगरी मेरी ऑडियंस रहेगी, तो मेरी ऑडियंस पूरी मिक्सअप ऑडियंस है। तो यस थोड़ा आई डोंट नो कि इंस्टाग्राम ने मुझे क्यों बोनस ऑप्शन दिया, मैं बेसिकली यही बताने वाली हूँ कि मुझे क्यों मिला, जो कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों मिला है। कंसिस्टेंसी रीजन है, अगर आपको बोनस ऑप्शन चाहिए तो बी कंसिस्टेंट। अगर रील्स अभी तक आपने पोस्ट नहीं करना चालू करा तो रील पोस्ट करो, बट ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के पोस्ट कर दिया, थोड़ा अच्छा कंटेंट हो, आपका खुद का क्रिएट करा हुआ कंटेंट हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि जब आपका चेकिंग होगी तो ऑब्वियसली वो ऐसे कोई कंप्यूटर तो आपकी चेकिंग नहीं करता होगा ना, कोई वहाँ पे एक इंसान ही बैठ के देखता होगा आपका अकाउंट को, और चीज़ें डेटा जरूर कंप्यूटर देता होगा बट एक इंसान ही बैठ के आपका अकाउंट एनालाइज करता होगा ना, तो उसे भी समझ में आ जाता है कि फेक है या असली अकाउंट है, मेहनत है या नहीं है, उसे भी सब समझ में आता होगा। तो यप जिन लोगों को नहीं आया है इंस्टा बोनस ऑप्शन तो आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा। और कैसे आएगा, तो जब भी इंस्टाग्राम आपको सिलेक्ट करेगा ना, वो आपको आपके इंस्टाग्राम में जैसे आप इंस्टा ओपन करोगे ऊपर पॉपअप नोटिफिकेशन देगा एक्टिवेट बोनस, एक्टिवेट बोनस का एक डिब्बा बनाया जाएगा, उसमें लिखा जाएगा एक्टिवेट करो, मुझे एक्टिवेट करो, तो आपको बटन दबा के एक्टिवेट कर लेना है उसको। और जिस मोमेंट में आप उसे एक्टिवेट करोगे तो आपको अपनी टैक्स डिटेल्स उसमें भरनी रहती है, टैक्स के बारे में 3-4 डिटेल आपको भरनी रहेगी, एक एग्रीमेंट फॉर्म आएगा उसको आपको ओके करना रहेगा सारा कुछ पढ़ के, एंड उसके बाद आपको अपनी पेमेंट डिटेल्स देनी है, आपको आपका अकाउंट किस अकाउंट में रिसीव करना है, आपका पे आउट अकाउंट की डिटेल आपको देनी पड़ती है, आपके बैंक की 3-4 अलग अलग टाइप की वो डिटेल्स मांगते हैं, नॉट दैट IFSC नंबर, कुछ और भी मांगते हैं वो, तो वो डिटेल आपको देनी है। अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना दूं कि जब बोनस तो आ गया क्या क्या चीज़ें हमें एक्टिवेट करनी है, तो आप मुझे कमेंट कर दो नीचे, मैं एक और डिटेल वीडियो बना दूंगी अगर आप चाहते हो तो, सारी डिटेल बता दूंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें एक्टिवेट करनी पड़ती वंस यू रिसीव द बोनस ऑप्शन। ओके वन मोर थिंग, जब हाँ ऐसा नहीं होता इसमें कि आपने एक बार बोनस एक्टिवेट कर लिया बस फिर आपका लाइफ टाइम रील्स में बोनस ऑप्शन बोनस आता ही जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा, आपका फर्स्ट मंथ का जैसे ही 1 तारीख से 1 तारीख तक का वो अलग अलग डेट्स भी हो सकता है, एग्जाम्पल दे जैसे 1 तारीख से 1 तारीख तक का आपका एक मंथ कंप्लीट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट डे आपको फिर से वो बोनस एक्टिवेट करने का ऑप्शन देगा इंस्टाग्राम कि एक्टिवेट बोनस, जब आप उसको एक्टिवेट करोगे तभी आपकी नई रील में अर्निंग स्टार्ट होगी, आपको हर बार उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, सिर्फ एक टैप की बटन रहती है उसको आपको दबाना रहेगा सेकेंड मंथ से, तो आपको हर मंथ उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा कि आप अपने मोनेटाइज करना चाहते हो या नहीं रील्स को उसके लिए। वैसे तो मैंने कोशिश करी कि मैंने सारे आपके जो भी डाउट्स है सारे आपके जो क्वेश्चंस है आप मुझे मैसेज करते हो वो मैं कवर कर लूँ, और भी अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे DM कर दो इंस्टा पे, पर कॉल मत किया करो इंस्टा पे, वीडियो कॉल करने लग जाते हो आप लोग तो मत किया करो प्लीज, मैं ऑफिस में रहती हूँ एंड बहुत डिस्टर्बिंग होता है, फिर आप लोग को लगता है कि मैं रूड बिहेवियर कर रही हूँ, बट ऐसे मत किया करो, बार बार कॉल कर रहे हो आप किसी को भी किसी भी टाइम पे, तो ऐसे मत किया करो। एंड अगर फिर भी और कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दो ये YouTube वीडियो के नीचे ही आप मुझे कमेंट कर दो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है सिर्फ ऐसी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लिख के आती रहूं और आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, एंड आप मेरे ब्लॉग्स भी इंजॉय करते रहे। तो यस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो कर लो, इंस्टाग्राम का हैंडल भी नीचे दे रही हूँ, नाम भी चेकआउट कर सकते हो, मेरे रील के व्यूज देख सकते हो कि किस तरह से व्यूज है क्या सीन है मेरे इंस्टाग्राम का। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई डिमांड रही तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगी, तो अब हम मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।